हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तानी बिंजोला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम का नाम है मिल्की वे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है, सो उनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो चलो अब इनके बारे में जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का जो फर्स्ट प्लैनेट है उसका नाम है मर्क्यूरी और वो सबसे क्लोजेस्ट है सन के। सो ये सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ये अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है। मर्क्यूरी का अपना कोई मून नहीं है और मर्क्यूरी जो है वो सन का चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है। सो सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वीनस और जो वीनस है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस का कोई मून नहीं है और वो सन का उल्टा चक्कर लगाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं और साइज में ये ऑलमोस्ट अर्थ जितना ही बड़ा है। अब आता है हमारा प्लैनेट अर्थ और ये थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ का सिर्फ वन मून है और इस पे 30% लैंड और 70% वाटर है। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ पे जितना भी वाटर है उसमें से सिर्फ 3% वाटर ही फ्रेश वाटर होता है, बाकी का वाटर सॉल्टी वाटर होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमें पीने के लिए 3% वाटर मिलता है उसमें से भी 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स और आइसबर्ग के फॉर्म में है। हमें सिर्फ 1% वाटर ही मिलता पीने के लिए। सो इसलिए बोलते हैं सेव वाटर। और हाँ, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि उस पे वाटर होता है। अब हम बात करेंगे मार्स की, जो हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है और इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स पे सबसे टॉलेस्ट माउंटेन्स दिखाई दी है। मार्स पे अभी तक 18 मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। इस प्लैनेट पे हमें लिक्विड वाटर के भी साइंस मिले हैं। मार्स पे जो सनसेट होता है वो ब्लू होता है और मैंने इंटरनेट पे कुछ फोटोज देखी थी और वो फोटोज बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उस पे ब्लू सनसेट हो रहा था और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है मार्स। अगले प्लैनेट की जो हम बात करेंगे उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट और फिफ्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जो जुपिटर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना हुआ है और इसको हम गैस जाइंट भी बोलते हैं। सारे प्लैनेट में से सबसे छोटे दिन जो होते हैं वो जुपिटर पे होते हैं। जुपिटर के 79 मून है और जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है वो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। चलिए अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो है वो सिक्स प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग है जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये प्लैनेट भी गैसेस से मिलके ही बना हुआ है। सैटर्न पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है और इस पे 82 मून्स है। अब हम बात करेंगे यूरेनस की और यूरेनस जो है वो सेवन प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसको हम आइस जायंट बोलते हैं क्योंकि बर्फ से बना हुआ है। यूरेनस के 27 मून्स है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूरेनस को कितना टाइम लगता है सन का एक चक्कर लगाने में? सो यूरेनस सन का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाएगा उतने टाइम में हमारी धरती पर 84 इयर्स निकल जाएंगे। ओह नो। अब आता है हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट जो कि है नेपच्यून। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लैनेट है। ये भी गैसेस से मिलकर बना हुआ है और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है जो गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके 14 मून है और सनलाइट को नेपच्यून तक पहुंचने के लिए 4 आवर्स लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।